दो जून की रोटी के जुगाड़ और रोजगार की तलाश में घर बार छोड़कर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर गए झारखंड के 16 मजदूरों के साथ हुई मारपीट का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। घटना की शिकायत मिलने के बाद झारखंड के श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री सत्यानंद भोक्ता अब कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मजदूरों के साथ हुई मारपीट और दुर्व्यवहार की घटना के जाँच के आदेश दिए हैं। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। झारखंड सरकार झारखंड के मजदूरों के साथ है। उन्होंने कहा है कि मामले में जांच के बाद दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल में कुछ काम करने के गए हुए थे, उनके साथ जो कंपनी था दुर्व्यवहार किया और सही पर भुगतान नहीं देता था, कम ज्यादा लेता था, तो उन्हें कंप्लेन किया स्थानीय स्तर पर। उनके साथ कुछ मारपीट का कुछ लफड़ा हुआ है, इसके लिए हम लोग विभाग में जांच का आदेश दिए हैं और उन लोगों को सख्त सजा लाने के लिए आदेश दिया गया। आप लोग झारखंड लौट रहे हैं और राज्य सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि जो स्थानीय स्तर पर जो हमारे पास उद्योग धंधे हैं, कल कारखाने हैं, क्योंकि COVID-19 बंद था, अब चालू हो गया है, लोग प्रयास करेंगे कि स्थानीय स्तर पर ही उन लोगों को रोजगार से जोड़े। ऐसे में मजदूरों के बीच एक आस बंधी है कि झारखंड सरकार उनके साथ दिखाई दे रही है। वहीं मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार ने श्रम नियोजन नीति बनाकर स्थानीय स्तर पर बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने की विशेष योजना बनाई है। ऐसे में बाहर जाने वाले लोगों को लेकर राज्य सरकार निश्चित रूप से चिंतित है। मुखर संवाद के लिए चतरा से ब्यूरो रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह, मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।